हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी फॉर मेंटल हेल्थ पे। तो आज 33 डे है उनका इकोलाइक और सीआरडी का प्रॉब्लम हो गया। सो हम तो दिखा देंगे इनको इकोलाइक और सीआरडी होने से क्या दवाई देना पड़ता है। ज़्यादातर तो इंजेक्शन पुश करना पड़ता है, पर दवाई से भी काम चला। इंजेक्शन क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए उसको हम सेकेंड स्टेप में रखते हैं। फर्स्ट स्टेप में मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। सो मेडिसिन का यूज़ करेंगे हम लोग। सो इससे आप लोग नए होने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने जितने भी दोस्त आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए हर जगह नया वीडियो बनाता रहूँ। सो मैंने आपको बोला था पहले, मेरा फॉर्म में बीमारी का कोई दिक्कत नहीं था, तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। सो अभी बीमारी का प्रॉब्लम हो गया तो इसका पर हम वीडियो बनाएंगे। सो ये देखिए, ये मरे हुए मुर्गी है एक। सो इसका इकोलाइक और सीआरडी का प्रॉब्लम हो गया, तो इसको मेडिसिन की तरह हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो इंजेक्शन पुश करना पड़ेगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक नया वीडियो बनाता रहूँ। सो 32 दिन में इनका वेट बिल्कुल एवरेज हुआ, पर ज़्यादा होना चाहिए, फंसा नहीं है। तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम या कुछ बीमारी के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज डॉक्टर भी मेरा फॉर्म में आया था एक कंपनी का थ्रू, तो उसने भी हमें कुछ सजेक्शन दिया है, क्योंकि नीचे का जो टूस है उसको 3 इंची 4 इंची जैसा आपको रखना होगा, और उसको हिलाकर अंदर का गैस बाहर निकालना पड़ेगा। और आप मैं मेडिसिन का वीडियो एक अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मेडिसिन मैं कैसे दूंगा आपको दिखा दूंगा मैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं अगले वीडियो में आपको मेडिसिन के बारे में बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, लास्ट तक मेरा वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद आप सबको।